लवागंड पवन धरा लवागंड माटीला चरणी स्पर्श करते हुए नमन करते हुए लवागंड विश्व आदिवासी दिवस के पवन मेला पे बेलेतरा जिला और रायपुर छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों से आए हुए पदाधिकारी सर्व आदिवासी समाज के मुखिया गोंडवाना गठन पार्टी के पदाधिकारी कर्मचारी संघ के समस्त पदाधिकारी और छात्र संगठन जैसे गोंडवाना छात्र संगठन के समस्त प्रदेश के पदाधिकारी जिला के पदाधिकारी आप सबको मेरा सादर से व्यवहार पहुंचे और गोंडवाना विभाग के श्रम में अन्नदाता मालिक और मालिकों के चरणों में मेरा सादर से व्यवहार पहुंचे। नौ अगस्त के दिन ही हम पूरा बखान करते हैं अपने बारे में जानने का जो अवसर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो हमें दिया है उसी तारतम्य में ये बहुत अच्छा पहल गोंडवाना छात्र संगठन छत्तीसगढ़ आप लोगों के बीच में ये कार्यक्रम करवा रहा है। साथियों ये सराहनीय कार्यक्रम है। जेएसयू वाले थोड़ा इधर उधर होंगे तो साथ देंगे। जेएसयू के पदाधिकारी प्रदेश के हो चाहे जिला के घूमे ना बैठ जाए हमसे ही शुरुआत होना है तो हमको सही दिखना भी है। हम है हम है छात्र छात्राओं का सम्मान है छात्र छात्राओं का सम्मान है अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी का सम्मान है मूल निवासियों का सम्मान है। साथियों जो हमारे साथ धोखा हुआ है ये धोखा हुआ है इसको भरपाई कौन करेंगे हमारे जैसे नौजवान हमारे जैसे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं हमारे जैसे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और हमारे जो लिए कानून में जो व्यवस्था बना है अरे छात्र छात्राओं जो बने हैं वहां जहां हम रहते हैं तो ये हमारा दायित्व है कि हम सगा समाज अपने परिवार और जो गांव समाज में बैठते हैं उन समाज को समझाने का दायित्व छात्र संगठन का है। छात्र संगठन कोई धर्म नहीं है छात्र संगठन कोई जाति नहीं है छात्र संगठन एक व्यवस्था को बताने वाला संगठन है। साथियों इस बात को मानना पड़ेगा। हम कहीं ना कहीं हमारे लोगों के द्वारा जो गलती हुआ है क्योंकि मैं इतिहास की बात करूं तो नवागढ़ से स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में भी ये गढ़ जो हमारा राजा का रहा है रियासत रहा है वो गढ़ नवागढ़ है। ये बात कौन बताएगा ये बता बात हमारे छात्र संगठन के युवा साथी बताएंगे छात्र संगठन के छात्र नेता बताएंगे छात्र संगठन के युवतियां बताएंगे। कहीं ना कहीं ये बात बताने के लिए हम लोग हिचकिचाते थे समाज हिचकिचाता था इस बात को बताने के लिए छात्र संगठन आप लोगों के बीच में आ रहा है। साथियों इसलिए ये धरती का नाम गोंडवाना है इसलिए इस धरती दाई के नाम से जिन्होंने भी सोचा है आप जैसे सब बुद्धिजीवियों ने एक विचार किया कि कहीं ना कहीं हमारे जो मूल निवासी समाज है जिसको भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है उस जनजाति समाज को बताने के लिए गोंडवाना छात्र संगठन आप सबके बीच में आ रहा है। साथियों आप सबके बीच में आ रहा है। लोग हमारे सबको भ्रम करते थे इसलिए हम कभी कभी कहते हैं यह धरती है गोंडवाना यह धरती है गोंडवाना जो हमारी जान है यह धरती है गोंडवाना जो हमारी जान है। सर से पगड़ी संभाल के रखना मेरे दोस्त यही हमारा पहचान है यही हमारा सम्मान है। आदिवासी एक समान Ah, 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 ah.
मान में मान करूंगा जनजाति सब है ना, आदिवासी सब, सब गोंडवाना से निकले हुए बच्चे हम तो भाव की ओर जा रहे हैं साथियों, हम तले की ओर नहीं जा रहे, हम कर की ओर जा रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। अरे किसने आपको क्या कहा, मैं उसके बारे में चल सब बोलता हूँ। मूल निवासी का दूसरा जितना दूर तक बेमान है, घर में जाके बोलिए, गाँव में जाके बोलिए, अगर आपको लड़ाते हैं तो उसके सामने बोलिए। मूल निवासी का दूसरा जितना दूर तक बेमान है, आप आपस में लड़वाता है और दूर से मजा लेता है, दूर से मजा लेता है। वारे अनुसूचित जनजाति, वारे आदिवासी बोलने वाले लोग, वारे पिछड़े जनजाति बोलने वाले लोग, किसको लड़ा रहे हो, किसको लड़ा रहे हो? ये बात गोंडवाना छात्र संगठन आपको बताने के लिए आया है। ये बात गोंडवाना छात्र संगठन आपके बच्चों को बुलाएगा। अरे कभी आपने लोअर मार के गांव की स्थिति देखा है? कभी आपने रियासत का व्यवस्था को आपने समझा है? कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं है। अरे मैं उस क्षेत्र से हूँ, मैं अभी भवन की ओर गया था, राजमहल की ओर, हमारे कुछ सियालों के बीच में कुछ बातें हुआ था। कभी सोचा नहीं है। मैं घर 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 के साथ कहता हूँ कि मैं उस क्षेत्र से हूँ जहाँ जनजाति व्यवस्था है। बस्तर संभाग के कानपुर जिला से आया हूँ, जहाँ 13 दिन की बात करते हैं भारतीय संविधान का उच्चारण 244 है की बात करते हैं साथियों। ये क्षेत्र भी था, आज के जमाना हो गया है, ये हमको जानने की जरूरत है, ये हमारी लड़ाई होनी चाहिए। अरे हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, अरे कौन बताएगा इसको? मैं इसलिए कभी कभी बोलता हूँ, झूठा इतिहास इसका शोध होना चाहिए। हमें अपने इतिहास की रिक्ति का बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए। अरे पूरा इतिहास आपका लूट लिए, पूरा इतिहास लिखने वाला कौन? नवागढ़ है क्या? नवागढ़ ये कल के आए लोग हमको बताएंगे, ये कल के आए लोग बताएंगे जो हमारे गांव व्यवस्था कभी यहाँ आए नहीं है, कभी यहाँ थे नहीं, वो हमको बताएंगे। वो कैसे, अगर मैं इस गांव में आया हूँ मतलब मैं भी सगा हूँ, यानी पौड़ा हूँ, या तो फिर बाहर का हूँ, इस गांव का नहीं हूँ। आपके गांव आपके नगर के हिसाब से मैं चलूंगा कि मैं आप लोगों को मेरे अनुसार चलने बोलूंगा। गलत क्या है आपको तय कर लो, मैं अपने अनुसार आप लोग को चलने बोलूंगा तो सही है क्या? अरे बोलो, बोलने से कड़ा भाटा भी बिकता है। अरे नहीं बोलोगे तो अच्छा से अच्छा भाटा भी मार ले। गोंडवाना ने करवट लिया है, कहीं ना कहीं आपके साथ छलावा हुआ है। इस छलावा को जान रहे साथियों, टाइम का अभाव है। हमारे सम्मान्य लोकेश्वरी दीदी भी है, सभापति है, जनपद में रहे हैं, दो बार जिला पंचायत गिरियाबंद से सभापति भी है। सम्मान्य हमारे गोटक हमारे सम्मान्य लोग हैं जो छात्र जीवन से समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने पैसे हमें नौकरी में आने से आने के बाद भी अपना दायित्व निभा रहे हैं। ये मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा साथियों, और बता के मैं अपना वाणी को विराम देने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए। ये धरती का नाम गोंडवाना है, ये गोंडवाना कैसे में है, क्यों है, इस गोंडवाना का व्यवस्था क्या है? भारतीय संविधान में ब्रिटिश हुकूमत के समय भी ऐसे क्षेत्र है जो जैसे हमारा बस्तर का क्षेत्र है, कभी भी मुगल शासकों ने
लोकतंत्र के नाम से चला है, लोकतंत्र के नाम से चला है, और चलने नहीं देंगे। अंधी बहरी खुली सरकार और चलने नहीं देंगे। लोकतंत्र के नाम से चला है और चलने नहीं देंगे। अंधी बहरी खुली सरकार और चलने नहीं देंगे। लोकतंत्र का दायित्व हमारा है, लोकतंत्र का दायित्व हमारा है। सो सको सत्ता छोड़ो, बढ़वाना आ रहा है, बढ़वाना आ रहा है, बढ़वाना आ रहा है। चलते चलते मैं हम लोग दूर दराज इसलिए आते हैं कि हमारे सियानों ने बहुत अच्छा व्यवस्था किए थे, जो आपके सामने है संगीत यंत्र, इसके बगैर हमारे पुरखा भी नहीं बोलते। अभी देख लिए आप लोग, देखा नहीं देखे है? जब हमारा वाद यंत्र चलता है, गाना चलता है, हम प्रेम पुरखाओं को, जमीन को, धरती माता जी को जब सेवा अर्जी करते हैं तो सब जोड़ते हैं साथियों। जैसे हम दादा मरकाम पेलवासी दादा मरकाम के आंदोलन में जब चले तो थकावट हमको भी होता था, लेकिन हम चलते चलते दादा के वो गीत याद कर पाए तो हमको भी अच्छा लगा। तो ये जमीन को रक्षा और जमीन को माता जी बताने का कौन काम करेगा? यही गौरवाना छात्र संगठन करेगा, यही गौरवाना समय विकास क्रांति आंदोलन करेगा, यही गौरवाना गठन पार्टी करेगा साथियों, और दूसरा नहीं कर सकता। जब हमारे लोग बातों में रहते हैं, कई लोगों को नक्सली बोलते हैं, लेकिन उन लोग भी एक सिद्धांत लेकर चलते हैं। उन लोग भी रात में थक जाते हैं तो उनको भी एनर्जी चाहिए, तो उन लोग भी कभी कभी कह मारते हैं, कह डालते हैं, क्रांति की मसाल थाम ले, क्रांति की मसाल थाम ले, अब तो संगीत लेके मेरा आगे ना, क्रांति की मसाल थाम ले, अब तो संगीत लेके मेरा आगे ना, मन में अब तो गांठ बांध ले, मन में अब तो गांठ बांध ले, अब तो संगीत लेके मेरा आगे ना, हो ला 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 ला। साथियों हम लोग क्षेत्र से हैं जहाँ झगड़ा वाली कांड हुआ है, हम लोग क्षेत्र से जहाँ जिंदा रहे बच्चों के साथ बंदूक के रूप में बलात्कार होता है, वही समाज के बेटा हूँ मैं। हम उस क्षेत्र से हैं जहाँ अगर आप आंदोलन करोगे तो आपको भड़काऊ भाषण दे के नाम से मामला दर्ज करते हैं। पांच पांच जिला में मेरे नाम से एफ आई आर दर्ज हुआ है। अरे रोक नहीं पाओगे, ये युवा है, युवा का मतलब चलना पड़ेगा साथ में। युवा मतलब वायु, युवा मतलब वायु, मतलब भवंडर, वायु मतलब, और भवंडर आता है तो कैसा होता है, कैसा होता है? ये छात्र संगठन वो वायु है, युवा है, ये छात्र संगठन वो वायु है, हवा है, ये छात्र संगठन वो भवंडर है, जो पूरे देश में स्टूडेंट इंडिया के नाम से जाना जाता है। साथियों साथियों पगड़ी बांध देने से मान सम्मान नहीं बढ़ने वाला, पगड़ी के सम्मान के लिए आपको जो करना है, जो संविधान के अनुरूप बातें हैं, जो सांस्कृतिक बातें हैं, जो गुणवाना की विचारधारा की बातें हैं, उनको आपको लेके चलना पड़ेगा। इन्हीं के साथ आप सबको देखने का इस बेवक तरह के नवागढ़ के पवन पवन भूमि और एक पवन के एक छोर गांव में जहां आप सबने हमें बुलाया, सम्मान किया, उस सम्मान के लिए पुनः इस देश के मालिक मालकिन राजकुमार राजकुमारियों को दर्शन करने का अवसर हुआ, आप सबके चरणों का दर्शन हुआ, इसलिए पुनः आपके चरणों में सादर सेवा करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ।